हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि IAS, आस्था IAS, परफेक्शन IAS, इम्तिहान और एरिथ्रिया के टेस्ट सीरीज से बेसिक इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले BPSC 69th PT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है, यानी प्राइवेट जो रिमिटेंसेस होते हैं उसको शामिल किया जाता है। बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति को भी शामिल किया जाता है, बाह्य अनुदान को भी शामिल किया जाता है, लेकिन विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? ट्रेजरी बिल को भी माना जाता है, वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर्स भी, कैश मैनेजमेंट बिल भी, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बिल, ये सभी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, ई नहीं, डी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति का एक उदाहरण है जिसके तहत सरकारी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड की खरीद बिक्री होती है। इसका उपयोग बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है। बाजार में रुपये की तरलता की स्थिति को संशोधित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ये सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के माध्यम से RBI द्वारा संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल GDP के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? नॉमिनल GDP की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। बिल्कुल, नॉमिनल GDP की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है, जबकि रियल GDP की गणना बेस ईयर के बेसिस पर की जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नॉमिनल GDP की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है, नहीं, ये गलत है। रियल GDP की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है। थर्ड है, नॉमिनल GDP के आंकड़े रियल GDP की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, नहीं। नॉमिनल GDP के आंकड़े रियल GDP की तुलना में सटीक आंकड़े नहीं दर्शाते हैं, सो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा गलत है? 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मदद लेनी पड़ेगी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी जारी की जाती है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। तो डी इसमें से, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, TRISEM कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो TRISEM योजना का संबंध ग्रामीण युवाओं के रोजगार से है। यह योजना 1979 में शुरू की गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR तथा सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, नहीं, ये तो RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए ये गलत है। जब नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाए, यानी ये तो गलत है, क्योंकि साख सृजन क्षमता में कमी आती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है बैंकों के पास में, तो ये भी गलत है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों ही गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो ना तो 1 और नहीं 2, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपये की देनदारियां हैं, ये सही है। मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में जारी किए जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। पांडा गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रेनमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है, यह भी सही है। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही है, तो एक और दो दोनों सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है? एमएसएमई के लिए अनुकूल शर्तें ये विनिर्माण केंद्र बनने से नहीं रोका है, तो ये तो नहीं होगा, इसे तो विनिर्माण केंद्र बनेंगे। सेकंड है, चीनी यानी चाइनीज आयात के कारण भारत में भी औद्योगीकरण, ये सही है, इसने रोका है भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से। सेवा क्षेत्र पर जोर, ये भी सही है। व्यापार करने में आसानी का अभाव, ये भी सही है। तो ये तीनों जो है भारत को विनिर्माण केंद्र बनने में इसने रुकावट डाला है, तो 2, 3 और 4 हो जाएगा, 2, 3 और 4 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? 2006-07 से शुरू की गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ का मुख्य कार्य है बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय जमा की व्यवस्था करना? नहीं, ये गलत है। सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना, ये सही है, तो इसमें से बी सही होगा, राइट ऑप्शन बी। विश्व बैंक की निजी क्षेत्र के ऋण देने वाली शाखा के रूप में कार्य करना, गलत है। विकासशील देशों में वित्त निवेश, यह भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से स्थानांतरित हो सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई को हॉट मनी माना जाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है? सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात का लेन देन का रिकॉर्ड, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो विदेशी ऋण जो है पूंजी खाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पूंजी खाता है, अब पोर्टफोलियो निवेश भी पूंजी खाता है, लेकिन निजी प्रेषण पूंजी खाता नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है? तो भारतीय रुपये का विनिमय यात्रा के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा किया जा सकता है, ये गलत है। माल और सेवाओं में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी बड़ी मुद्रा के लिए भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है, यह भी गलत है। वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है, ये सही है, तो इसमें से सी सही होगा, राइट ऑप्शन सी। पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य उस सीमा से है जिससे रुपये को पूंजीगत लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? आरबीआई करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड वेलोरम कर आधारित है, तो एड वेलोरम का मतलब होता है उत्पाद के मौद्रिक मूल्य पर लगाए गए शुल्क, तो इसमें से आय पर नहीं, वस्तु का वास्तविक मूल्य पर नहीं, वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी, ये सही है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, ये गलत है।
नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता है, तो इसलिए ये गलत है। तो तीन गलत हो गया, तो तीन गलत होने की वजह से ये डी ख़त्म, सी ख़त्म, एक और दो सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है, तो वो करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। नहीं, ये तो गलत है। एमएसपी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया जाता है, ये प्रस्तावित किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी के द्वारा, तो ये गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, नहीं, ये मंजूरी दी जाती है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा, तो ये आपस में एक्सचेंज हुआ है, तो ये गलत है। एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है, नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें से तीनों ही गलत है, 1, 2, 3, सो राइट ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सही नहीं है, तो तीनों ही सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से बेसिक इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।